I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told it if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Roll like a Mack truck. Country heart, I might cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car car till you tat it up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. No fault, I done doubled up on the workload. I think I fell in love with the bankroll. Pray up, get money, then we lay low. Then we lay low. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Hello everyone, welcome back to Indian Strength. This is Akash Yaduvanshi and you are watching the first episode of the new transformation series Unstoppable. So, जैसा कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी मेंशन किया था, लास्ट दो महीने से माई ट्रेनिंग वॉज ऑन एंड ऑफ. कंसिस्टेंटली मैं ट्रेन नहीं कर रहा था. देर वर मल्टीपल रीजन्स फॉर दैट, वो मैंने पिछली वीडियोज में मैंशन किए हैं, सो आई वॉन्ट रिपीट देम हेयर अगेन. बट द थिंग इज, ट्रेनिंग ऑन एंड ऑफ चल रही थी. न्यूट्रिशन एकदम ही, अगर मैं बोलूँ तो न्यूट्रिशन को आई गिव 1 out of 10 पिछले दो महीने में, एंड उसका रिजल्ट है आप लोगों ने अभी जो फिजिक देखा है. आई थिंक यू गाइस कैन सी दैट कि वो किस वजह से हुआ है. दैट इज़ वाई आई एम फीलिंग दैट इट इज़ हाई टाइम फॉर मी टू स्टार्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन. इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ को यूट्यूब पर करने का मकसद सिर्फ एक ही है. आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि इस सीरीज़ के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाऊं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह से इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं डिफरेंट फेज में डिवाइड करने वाला हूँ, क्या डाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्या डाइट प्लान रहता है, क्या वर्कआउट प्लान रहता है, कौन से सप्लीमेंट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से प्रोग्रेस होती है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू गाइज एक्सपीरियंस दिस जर्नी. मेरा गोल इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में यही रहेगा कि जिस भी फेज से मैं गुजरूँ, जो भी डिफ़िकल्टीज मुझे आएँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और उनके जो सॉल्यूशन मैं अप्लाई करूँगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से कंसिस्टेंट रहना है. सो 100 डेज़ की ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है. 100 डेज़ का मतलब है 15 हफ्ते, और इतने दिन तक लगातार कंसिस्टेंट रहना, डाइट के साथ कंसिस्टेंट रहना, वर्कआउट्स के साथ कंसिस्टेंट रहना डिफ़िकल्ट होता है. तो आई होप कि इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के थ्रू मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगा कि किस तरह से आप मोटिवेटेड रह सकते हो, किस तरह से आप कंसिस्टेंट रह सकते हो. एंड For that, I will need your support as well. No matter how motivated I am, या फिर कितना ज़्यादा मैं consistent रहने की कोशिश करता हूँ, but आप लोगों की support मुझे उसके बाद भी चाहिए होगी. Because जब मुझे पता होता है that people are watching me, people are watching my videos and people are watching my work, उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा motivation मिलता है. So I will make sure कि आने वाली जितनी भी videos हैं, आने वाले जितने भी episodes हैं, आप वो सारे episodes definitely देखो, और अगर आपको लगता है that I am actually doing some hard work, then definitely support me. So talking about the numbers, अभी मेरा weight, जैसा कि आपने video के starting में देखा था, आज सुबह empty stomach मेरा weight था 88.2 kilograms. ऐसे मैं believe नहीं करता हूँ weight measure करने में, I just go by the feel कि मुझे कैसा feel हो रहा है, that's the only thing I measure. बट इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में अगर मैं नंबर्स में बात करूं, तो आई वुड वांट कि मेरा वेट इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के एंड में 80 से 82 किलोग्राम्स के बीच में अगर होगा, देन आई फील के मतलब जो मुझे श्रेडेड फिजिक अचीव करना है इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के एंड में, वो हो पाएगा. तो मुझे लगता है कि मेरा टारगेट वेट इस सीरीज़ के एंड में रहेगा 80 किलोग्राम्स, जिसका मतलब है मुझे टोटल 8 किलोग्राम्स वेट लूज़ करना होगा, और 8 किलोग्राम्स वेट लूज़ करने के लिए मेरे पास होंगे करीब करीब 15 हफ्ते. सो आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है. द ओनली थिंग दैट आई नीड टू टेक केयर ऑफ इज़ कि मैं डीरेल ना हूँ इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ के बीच में. अगर मैं 100 डेज़ तक लगातार अपना डाइट प्लान, अपना वर्कआउट प्लान और सारी चीज़ें कंसिस्टेंट रख पाता हूँ, देन आई एम 100% श्योर कि जो रिज़ल्ट निकल के आएगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा. सो दिस इज़ जस्ट व्हाट आई वांटेड
वॉन्टेड टू लेट यू नो गाइज, कितनी कैलोरीज मैं कंज्यूम करूँगा, मैं डेफिसिट में कितने के रहूँगा, या फिर मैं बॉडी रिकम्पोजिशन करूँगा, या फिर मेरा वर्कआउट प्लान क्या होगा, सप्लीमेंट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा। तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल ट्राई कि मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ वो मैं सब कुछ आपको दिखाऊं, ताकि अगर आपको भी एक ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तो आपको पता हो कहाँ से स्टार्ट करना है। एंड जैसा कि मैंने इस चैनल पर बहुत बार बोला है, मेरा गोल हमेशा यही रहता है कि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाऊँ जिससे आपको अपने फिजिक को इम्प्रूव करने में कुछ मदद मिले। तो आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उन वीडियोस से। एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलना चाहता था, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ऑफ द डे #QOTD यूज़ करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड हर एपिसोड में जितने भी एपिसोड आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में, उसमें मैं एक क्वेश्चन पिकअप करूँगा एंड उस क्वेश्चन का आंसर करूँगा। सो मेक श्योर कि जब आप ये क्वेश्चन पूछे कमेंट सेक्शन में तो #QOTD ज़रूर लगाएं। सो दिस वुड बी इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, गिव इट अ थम्स अप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड जय हिंद।